सो हाई एवरी वन, दिस इज डॉक्टर अमन तिलक. इससे पहले कि इस वीडियो को स्टार्ट करें, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ. सो बैक इन द ईयर 2017 आई सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 33 इन द एम्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंड साथ में मैंने बोर्ड्स में 96% जो है मार्क्स स्कोर किए थे. एंड लाखों बच्चों का जो एक ड्रीम होता है, आई एम ब्लेस्ड टू हैव अचीव दैट एंड हैव कंप्लीटेड माई MBBS फ्रॉम एम्स न्यू डेली. पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैं एम्स न्यू दिल्ली से ही कर रहा हूँ. एंड इससे पहले कि हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग एबल टू वॉच दिस वीडियो. बिकॉज आज की डेट में अगर आप नीट सर्च करोगे गूगल या यूट्यूब पर, तो आपको जो वीडियोज दिख रहे होंगे वो नीट 2024 या फिर बहुत लकी होगा तो 2025 के दिख रहे होंगे. 26 के तो नहीं दिख रहे होंगे. इस वीडियो बनाने के बाद भले ही दिख जाए, वो अलग बात है. ठीक है, अब वाई इज क्लास 11th द राइट टाइम टू स्टार्ट योर नीट प्रिपरेशन? वाई नॉट क्लास 12th? वाई नॉट ड्रॉपर? तुम्हें समझना पड़ेगा कि ज्यादातर जो बच्चे हैं अपने जो नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, या तो 12th में कर रहे हैं या फिर ड्रॉपर की तरह कर रहे हैं. जैसे जो कंपटीशन बढ़ रहा है, अगर मैं तुम्हें बात करूं, नीट 2024 में इस बार 25 लाख से भी ज्यादा बच्चे अपियर कर रहे हैं. एंड एम्स दिल्ली जैसे मैं बात करूं, उसमें 50 सीट है. रेशियो जानते हो क्या मतलब होता है इसका? 50,000 बच्चों में से केवल एक बच्चे का एम्स न्यू दिल्ली में सिलेक्शन होने वाला है. सिंपल सी बात है, सिंपल रेशियो है. एंड इस तरीके से कंपटीशन जैसे बढ़ रहा है, हो सकता है नीट 2026 में 30 लाख बच्चे कहीं ना कहीं एग्जाम दें. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट अर्ली, क्योंकि तुम हर एक टॉपर का अगर इंटरव्यू देख लोगे, चाहे वो मैं हूं या फिर कोई भी एम्स का बच्चा हो या कोई भी टॉप 100 बच्चा हो, ज्यादातर बच्चे विल से कि दे हैव स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन इन क्लास 11th और चमके मेहनत की हुई उन्होंने 11th और 12th. दूसरी चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी कि तुम्हारी जो कोचिंग्स है, स्कूल है, उसमें जो सिलेबस है ना, स्टार्टिंग में बहुत धीरे धीरे चलेगा. तुम्हारे स्टार्टिंग के 6 महीने में एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम वहीं तक चलता रहेगा, और केवल वेक्टर्स और काइनेमेटिक्स वहीं तक चलता रहेगा. बट जो तुम्हारा लास्ट में जो 11th में चलती है, जैसी स्पीड चलेगी, तुम्हारे कोचिंग के भी टेस्ट आ रहे होंगे, तुम्हारे स्कूल के भी आ रहे होंगे, फास्ट फास्ट जो है चैप्टर्स स्टार्ट वो खत्म कर रहे होंगे, तो मान के लास्ट के 3 से 4 महीने में ये लोग तुम्हारा 70 से 80% जो है चैप्टर्स खत्म कर रहे होंगे, कोप अप नहीं कर पाओगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू समथिंग डिफरेंट इफ यू आर ट्राइंग और स्ट्राइविंग टू अचीव समथिंग डिफरेंट. और ऐसा कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज मैं बताने नहीं वाला, बट एक चीज मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप सबसे, ये वीडियो सिर्फ देखोगे नहीं, फायदा तभी है. इस वीडियो में जो बताई गई चीजें हैं उनको तुम एक्चुअली फॉलो करोगे टिल द एंड, तभी तुम्हें वो बेनिफिट मिलने वाला है. ठीक है, सो ये बात तुम समझ गए. अब मैंने जो तुम्हारी पूरी नीट की प्रिपरेशन जर्नी है उसको ना कुछ स्टडी स्लॉट्स में डिवाइड करके रखा है. ये स्टडी स्लॉट्स क्या है? कि तुम अपनी कोचिंग जा रहे हो, अपने स्कूल जा रहे हो, लेकिन इसके अलावा तुम्हें अपने लिए हर रोज 1.5 से 2 ऑन द अपर साइड 3 घंटा सेल्फ स्टडी के लिए निकालना है, जहां पर ये चीजें तुम एडिशनली पढ़ रहे होगे. ठीक है, तो स्टडी स्लॉट नंबर 1 जो है तुम्हारा अप्रैल से लेकर तुम्हारा सितंबर तक है, पूरे 6 महीना. व्हाट आई एक्सपेक्ट इज, जो मैंने खुद भी किया था, मैंने क्लास 11th और क्लास 12th की बायो की पूरी एनसीईआरटी वर्ड बाई वर्ड समझ के रखी हुई थी. बायो आसान होता है, खुद से भी पढ़ सकते हो, टीचर की उतनी जरूरत नहीं होती, समझ जाओगे. फायदा अभी नहीं होगा, फायदा लास्ट में होगा तुम्हें, ट्रस्ट मी, मेरे को भी हुआ था. अच्छे से पढ़ना है बायो तुम्हें, पूरी 11th और 12th की भी पूरी पढ़ जानी है एनसीईआरटी. दूसरी चीज क्या है, अपने जो बेसिक्स हैं वो तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने हैं. बेसिक्स में अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में तुम्हारे वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ्स आते हैं. केमिस्ट्री में तुम्हारा मोल कंसेप्ट और जीओसी तो मैं बाद में पढ़ोगे, लेकिन अभी से यार स्ट्रॉन्ग करके रख लेना, बाद में बहुत हेल्प करने वाला है. तो मैंने तुम्हें पूरे 6 महीने दिए सिर्फ इन चीजों को बहुत अच्छे से अपने फिंगर टिप्स पे लाने के लिए, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने बोली वो बोली बायो की एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड. बट वॉज दिस एनफ? तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, जहां पर तुम्हें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसका शायद से तुमने आज तक बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए, वो तुम करने वाले हो. अगर तुम्हें स्विमिंग सीखनी है तो स्विम करके सीखोगे या वीडियो लेक्चर देखोगे? सिमिलरली तुम्हें अगर ड्राइविंग सीखनी है तो ड्राइव करके सीख पाओगे ना? वैसे ही तुम्हें अगर MCQ की प्रैक्टिस करनी है तो एक्चुअली MCQ प्रैक्टिस करके कर पाओगे, क्योंकि MCQ को पढ़ना एक चीज होती है, MCQ को समझना दूसरी चीज हो पाती है. और जब तुम एक्चुअली ये समझ पाओगे कि भाई एग्जामिनर का माइंडसेट क्या, एग्जामिनर भला पूछना क्या चाह रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड उस चीज के लिए तुम्हें बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. मैं बहुत सारे बच्चों को बोलता भी हूं, तुम्हें भी बोलूंगा कि अब स्टार्ट कर दो MCQ प्रैक्टिस करना. नाउ डेली जो है टारगेट रख लो कि 15 पेजेस बायो की एनसीईआरटी का अगले 6 महीने पढ़ोगे ही पढ़ोगे. और केवल ये पेजेस नहीं पढ़ोगे, इन पेजेस का पेज फिल्टर लगाकर तुम जो हो नीट प्रेप एसेंशियल ऐप है उसका एनसीईआरटी अभ्यास बैच है, उससे आप पेज फिल्टर लगाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे. प्रिफरेबली तुम जो हो न्यू एनसीईआरटी ही पढ़ रहे होगे. जिन भी क्वेश्चंस में तुम फंसते हो, देखो ओल्ड जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो ऑटोमेटिकली जो है वो हमने इनकॉर्पोरेट करके रखे हैं. जिन क्वेश्चंस में फंसते हो उनको तुम बुकमार्क कर सकते हो बाद में रिविजिट करने के लिए. और हर एक ऑलमोस्ट क्वेश्चन का डिटेल ऑडियो या वीडियो एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है. क्वेश्चन फ्रॉम दिस एनसीईआरटी लाइन से तुम समझ जाओगे कि भाई कौन सी भला एनसीईआरटी लाइन से बना है, क्योंकि इसमें सारे जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी ही बेस्ड बने हुए हैं.
ना सिर्फ नॉर्मल एमसीक्यूज, तुम्हारे जो नेट न्यूअर टाइप के एमसीक्यूज जो पूछे ज्यादा जा रहे हैं इन द रिसेंट 3-4 ईयर्स, जैसे तुम्हारे स्टेटमेंट बेस्ड, सीक्वेंसिंग बेस्ड, एसर्शन रीजन टाइप, ग्राफ बेस्ड, मैचिंग टाइप, वो भी सब कुछ इंक्लूड करके रखे हुए हैं। सो मैं हर एक बच्चे को एक वन स्टॉप सोल्यूशन बताता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, वो है नीट प्रेप एसेंशियल आपका एनसीईआरटी अभ्यास बैच। ₹300 पर मंथ से भी कम प्राइस रखी गई है, टिल नीट 2026 आप एनरोल कर सकते हो सिर्फ ₹499 में। एंड आई ऑल्सो सजेस्ट कि तुम्हें ऑफलाइन मैनर में पेन और पेपर मोड में और बबलिंग की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो उसके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मार्जिन जो है तुम्हारे पेपर में उसमें तुम्हें फिजिक्स के बड़े बड़े न्यूमेरिकल से केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, उसको तुम्हें अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तो तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो तुम्हारे लिए अभ्यास बैच का बुक पैकेज फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए एज वेल एज 50 OMRs है, जिससे तुम ये अपनी प्रैक्टिस ऑफलाइन मैनर में स्ट्रॉन्ग कर सको। तो तुम डायरेक्टली अल्टीमेट कॉम्बो के लिए एनरोल कर सकते हो 6999 में 2026 के लिए। इट कम्स विद अ 3-day नो क्वेश्चन आस्क्ड रिफंड पॉलिसी। तो बेस्ट थिंग इज कि एक बार एनरोल कर लो, प्रैक्टिस करो, जम के 3 दिन लग के नहीं पसंद आ रहा तो एक ईमेल डाल देना support@neetprep.com पर, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा तुमसे, तुम्हारा पूरा पैसा जो अगले 3 working days में रिफंड हो जाएगा, ठीक है। चलो एक मेरे से तुम प्रॉमिस करोगे कि 15 पेजेस का तो तुमने टारगेट ले लिया, लेकिन 10 पेजेस से कम पड़े और उन पेजेस का पेज फिल्टर लगाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए बगैर सोगे नहीं। अगर ये तुम प्रैक्टिस करते हो तो जैसे मंजू के पहले 200 से 220 नंबर आ रहे थे, आज के डेट में 550 नंबर आ रहे हैं, वैसे ही जैसे कि वलारी के पहले 500 नंबर भी क्रॉस नहीं करते थे, आज 630 क्रॉस कर रहे हैं, जहां रोनी के 450 नंबर से ज्यादा क्रॉस नहीं कर सकते थे, आज जो है 650 क्रॉस कर रहे हैं, वैसे तुम्हारे मार्क्स भी बहुत इंप्रूव होने वाले हैं। ये सारे रियलिस्टिक जो है इंप्रूवमेंट्स हैं। जहां नुबांश के 500 से 550 नंबर पे अटके हुए थे, जहां पर सिलेक्शन नहीं मिल रहा था उसे, अब ही जस्ट वॉट 671 मार्क्स एंड ही कैन डिजर्व वन ऑफ द टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज इन हिज स्टेट, ठीक है। ये एक बच्ची थी जिसके 520 से 620 जो नंबर है शिवम के जो इंक्रीज हुए, एंड देर इज अ स्टूडेंट बाय द नेम ऑफ निहार जिन्होंने कहा कि मैजिकल जो है वो इफेक्ट रहा, 250 से 300 पहले स्कोर रहता था, अब 670 से 690, और क्या कर रहा है, मैं तुम्हें 15 पेजेस बोल रहा हूँ पढ़ने के, यार लग के बंदा 25 से 30 पेजेस पढ़ रहा है। एंड इट इज सिंपली सेड कि भाई तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव होंगे जब तुम लग के जम के इतनी मेहनत करोगे जितना तुमने अपनी पूरी लाइफ में नहीं किया होगा, जो मैं कहता हूँ पागलों की तरह पढ़ाई करोगे, तब जाके जो इसके श्रुति के 250 नंबर आ रहे थे, आज की डेट में 340 आ रहे हैं बायो में, मैं बात कर रहा हूं। रोहिणी का सेकेंड ड्रॉप है, 450 से 650 नंबर इंप्रूव कर गई। केवल इतने नहीं, ऐसे बच्चे भी हैं जिनके 700 के ऊपर नंबर आ रहे हैं, 720 इस बच्ची के सीमा के 2 बार आए हैं और लगातार 5 टेस्ट में 700 के ऊपर नंबर इस बच्चे के आए हैं। गौरी के 455 से ऊपर नहीं आते थे, अभी AITS में इसको अपनी कोचिंग में 695 मार्क्स मिले। बुक्स के भी लोगों ने बहुत अच्छे चीजें लिखी हुई है कि आई जस्ट गॉट द बुक्स एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द परचेज। इस तरीके की बुक्स हैं, स्पेशली OMR शीट्स आर द बेस्ट, ग्रेट पेपर क्वालिटी, ग्रेट अरेंजमेंट एंड सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि पेज वाइज मैनर में अरेंज है, तुम्हें कहीं भी नहीं मिल रहे। और जहां मैं बात करूं मुस्कान की, एलन SRG बैच की थी, 30 पेजेस डेली पढ़ के आज की डेट में 700 के ऊपर नंबर पिछले 4 मॉक टेस्ट में ला रही है। वही तुम्हारा रूपम जो है उसके 630 पहले नंबर आते थे, 630 से 650 आज 700 की रेंज में पहुंच गया। वही यश जो है 500 से 710 तक पहुंच गया। PW के साथ तुम्हारा जो सानिया है ना, वो उसने 540 स्कोर किए, 540 मार्क्स UPW, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तुमने उसके लेक्चर देखा सब कुछ, लेकिन रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस से इसने अब जो है 702 नंबर स्कोर किए। वैसे ही जैसे कविता ने 200 नंबर भी नहीं आते थे पहले, अराउंड उसके आसपास आते थे, क्योंकि मॉड्यूल्स पे कहीं ना कहीं फोकस करती थी अपनी कोचिंग के, अब NCERT पे फोकस करती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करती है और 705 नंबर आए इसके लेटेस्ट मॉक टेस्ट में। जैके 169 मार्क्स आए थे और PW के साथ इसके 550 मार्क्स पे अटक गए और NCERT अभ्यास बैच स्टार्ट किया, 15 पेजेस NCERT डेली पढ़ना स्टार्ट किया, 690 नंबर इसके आए। So that is what the reviews are. तुम खुद भी देख सकते हो, जाके प्ले स्टोर पे यार डाउनलोड कर लेना। Now अब आते हैं हम लोग स्टडी स्लॉट नंबर 2 में। देखो सितंबर खत्म हो चुका है, तुम्हारे फिंगर टिप्स में सारे बेसिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री की और बायो 11th और 12th की भी तुम्हारी, मतलब 720 में से 360 नंबर की तो तुम्हारी प्रिपरेशन केवल बायो बायो में हो ही गई, ठीक है, फिजिक्स में भी थोड़ी बहुत हो गई, तो तुमने सोचो 6 महीने में कितना सब कर लिया। अब क्या करना है तुम्हें, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, मैंने तुम्हें 4 महीने दे दिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मॉडर्न फिजिक्स, ये बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर रही है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल NCERT पढ़ोगे, दैट इज एनफ। प्लस प्लस क्या लिखा हुआ है मैं आगे बताता हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेक्चर देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंसेप्ट समझने हैं, NCERT पढ़ोगे और इसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स में लेक्चर देखोगे, NCERT पढ़ोगे और प्लस प्लस मैंने लिखा है क्योंकि कोई भी जो तुम्हारा सब्जेक्ट है, कोई भी तुम्हारी जो पढ़ाई है, दैट इज नॉट कंप्लीट जब तक तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं लगा रहे हो। अगर तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो, केवल पढ़ रहे हो, क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो, नहीं होने वाला सॉल्व तुम्हारा नीट का क्वेश्चन पेपर, नहीं ट्रस्ट करते हो, एक बार NCERT के केवल रीडिंग लगा लो फिजिक्स की और कोई प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करो, तुम्हें बहुत समय लग जाएगा, हो सकता है 3 मिनट 4 मिनट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ क्वेश्चन प्रैक्टिस डन, ठीक है।
अब मैं फिर से नहीं बोलूंगा, हर एक चीज जो मैं बोल रहा हूँ पढ़ना है, उसके साथ तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस लगानी ही लगानी। अब स्टडी स्लॉट नंबर 3 पे आ जाओ, फरवरी मार्च अप्रैल और मई, 4 महीने। इसमें तुम्हारे यार क्लास 11th के कहीं ना कहीं एग्जाम्स भी लगे होंगे, तो थोड़ा पढ़ोगे अच्छा ही है। बायो तुम्हारी पूरी यार रिवाइज हो जाएगी क्लास 11th की, अच्छी बात है। तुम्हारे केमिस्ट्री में भी बहुत सारे जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स वो रिवाइज हो जा रहे होंगे, नीट के लिए भी होने वाले, ठीक है, अच्छी बात है। और फर्क नहीं पड़ता है, 11th में तुम्हारे 70% मार्क्स है, 90% मार्क्स है, कोई नहीं पूछ रहा है ना। मेरे शायद से 93% मार्क्स आए थे, किसी ने नहीं पूछा, मैं बता रहा हूं इसलिए तुम्हें पता चल रहा है, ठीक है। इन 4 महीनों में फिजिक्स फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छे से हर रोज खूब सारे जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे अभ्यास बैठ से, और बहुत स्ट्रॉन्ग करोगे, इतनी स्ट्रॉन्ग करोगे कि तुम्हें फिजिक्स में मजा आने लग जाए। दिस इज सिमिलर टू व्हाट आई हैड डन। मेरे को भी डर लगता था स्टार्टिंग में फिजिक्स में, 11th के सेकंड पार्ट में और टुवर्ड्स द एंड और 12th के स्टार्टिंग पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन लगाए फिजिक्स के, और मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई, इतनी कि मेरी कहीं ना फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। तो फिजिक्स तुम्हें ना लंबे टाइम तक याद रहती है वर्सेस बायोलॉजी या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो तुम्हारी बहुत वॉलेटाइल होती है। फिजिकल केमिस्ट्री भी सिमिलर होता है, ठीक है। और केवल ये फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री तो स्ट्रॉन्ग करोगे, लेकिन साथ में पिछले का पूरा जो है वो बहुत अच्छे से रिवाइज कर लोगे। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, जैसे कि तुम सब कुछ साथ में लेके बढ़ रहे हो, ठीक है। अब आ जाओ स्टडी स्लॉट नंबर 4 में। मैंने तुम्हारा पूरा ये स्लॉट छोड़ दिया लेफ्ट ओवर्स के लिए, कि तुम्हारा अगर तुम्हारे कुछ स्टडी स्लॉट नहीं पूरे हो पा रहे हैं या कुछ चीजें डिफिकल्टी तुम्हें लग रहा है, तुम्हें चैलेंजिंग टॉपिक लग रहे हैं उसके लिए, और तुम्हें लगता है यार वीक टॉपिक्स वो तुम्हें स्ट्रॉन्ग करने चाह रहे हैं, पूरा तुम्हें 1 महीना दे दिया यार, ये चीज कर लेना, है ना। समर का भी ब्रेक होता है बहुत जगहों पर, तुम्हारी स्कूल की छुट्टी चल रही होगी, ये चीज प्लीज कर लेना। इसके बाद आ जाओ स्टडी स्लॉट नंबर 5, जुलाई एंड अगस्त 2025। क्या करना है तुम्हें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं जिनके सबसे ज्यादा रिपीट होने के चांसेस वहां से क्वेश्चन बनने के, क्योंकि एग्जामिनर वही है और तुम्हारे वही आसपास ही, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कोई लाइन आई हुई है तो एज सच उसी के आसपास से एनसीईआरटी में लाइन आने का ज्यादा जो है वो चांस है। क्यों, इनहेरिटेंस जो है तुम्हारा, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, हर साल ज्यादा क्वेश्चंस क्यों आते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और व्हाट वी हैव डन कि एनसीईआरटी में ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में पिछले 25 साल के एनसीईआरटी के अंदर पीवाईक्यूज हमने मार्क कर दिए हैं, तुम उनको पिंक लाइन से जो है उनको हम लोग ने मार्क कर दिया, उनको क्लिक करके ना सिर्फ तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन का डिटेल वीडियो एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ना सिर्फ ये, एनसीईआरटी की इन टेक्स्ट हमने एक्सरसाइज समरी जो बैक एक्सरसाइज होती है इवन एग्जाम्पलर तक को पीवाईक्यू मार्क कर दिया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए तुम्हें। तो तुम्हें पीवाईक्यू मार्क एनसीईआरटी इज योर फुल स्टॉप सॉल्यूशन। एंड अभी लिमिटेड टाइम ऑफर में तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एनसीईआरटी अभ्यास बैच में कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है, तो जाके एनरोल कर लेना अभ्यास बैच में, मैं फिर से सेम चीज बोलूंगा, ठीक है। ये चीज तुमने कर ली, नहीं कर रहे हो एनरोल, ठीक है, तो तुम कहीं और से भी पीवाईक्यूज कर रहे हो, लेकिन फिर तुम्हें यार वो चीजें एनसीईआरटी में अंडरलाइन करके उसके आसपास के टॉपिक जो है वो कहीं ना कहीं पढ़ने पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में टॉपिक्स रिपीट हो रहे थे उनके लिए हमने टर्म यूज किया फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स या फिर एफएटी बेस्ड अपडेटेड सिलेबस पर डिजिटल नोट सारे चैप्टर के मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। अमन तिलक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेना जाके। कोई भी चैप्टर का अगर मैं तुम्हें नोट्स दिखाऊं तो हम लोग ने क्या किया हुआ है, हर एक चैप्टर में उसके सारे हाई यील्ड पॉइंट्स को हैंड राइट किया हुआ है, एनसीईआरटी के डायग्राम्स, एनसीईआरटी की टेबल्स, एनसीईआरटी के चार्ट्स, सब कुछ इंक्लूड किए हुए हैं और आपको रेपिडली रिवाइज करने में बहुत हेल्प होगी। तो जाके इनको प्रिंट करा लेना और इससे फटफट रिवाइज करने में आपको बहुत हेल्प होगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आ जाओ स्टडी स्लॉट नंबर 6 में, सितंबर अक्टूबर नवंबर 2025 बच्चों के यार हाफ ईयरली क्लास 12th के एग्जाम होंगे। लेकिन तुमने क्या एक चीज रियलाइज की कि तुमने अभी तक पूरा जो है वो सिलेबस कंप्लीट कर चुके थे तुम, ये शायद से नहीं रियलाइज किया, बट हाँ तुमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था मई 2025 तक। तुम एक लीड में, तुम्हारे पास 1 साल है और तुमने सब कर लिया, फिर तुमने लेफ्ट ओवर किया, फिर पीवाईक्यू स्ट्रॉन्ग कर लिए, अब तुम 3 महीने दे रहे हो पूरा रिविजन करने के लिए और फोकस थोड़ा सा ज्यादा कर रहे हो कैलकुलेशन बेस्ड टॉपिक्स के लिए, क्योंकि ज्यादा टाइम तक जो है वो याद रहते हैं। हर एक रिवीजन में तुम्हें अपने नेक्स्ट रिवीजन को प्लान करना है, तो वैसे हाईलाइट करना है जैसे तुम नेक्स्ट बार जब पढ़ रहे हो। अगर तुम्हारे पास पहली बार पढ़ रहे हो एक चैप्टर, तुम्हारे पास पूरे 8 घंटे थे, अगली बार तुम्हें पता है कि 2 से 3 घंटे होंगे, तो उतना ही पोर्शन मार्क करो जिसे तुम उतना रिवाइज कर सको, जो चीजें तुम्हें लग रहा है भूल जाएंगी, वैसे पढ़ाई करनी होती है। स्टडी स्लॉट नंबर 7 पे आ जाते हैं, दिसंबर और जनवरी कंप्लीट रिवीजन नंबर 2 कर रहे होगे तुम, ठीक है। अब आ जाओ फरवरी और मार्च, बच्चों के बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए मेहनत कर रहे होगे, ठीक है, अच्छी बात है, बोर्ड्स में लाओ मार्क्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो जो तुम्हारी एनसीईआरटी वो तो सेम ही है ना नीट के लिए, तो अच्छी बात है। इस टाइम पे एक गलती नहीं करनी है कि तुम सब्जेक्टिव मैनर में पढ़ रहे हो लेकिन एमसीक्यू सॉल्व करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव सॉल्विंग की अगर तुम्हारी वो तुम्हारी रिदम छूट गई तो तुम्हें फिर से जो है वो पकड़नी पड़ेगी, समय लगेगा और नीट जस्ट 2 महीने बाद होने वाला है। तो कुछ ना कुछ जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो तुम कर सकते हो, बुक मार्क जो तुमने क्वेश्चन किए हुए हैं लेट्स एनसीईआरटी अभ्यास बैच से वो रिवाइज करने लग जाओ, उसे सॉल्व करना स्टार्ट कर दो और क्वेश्चन जो है रैंडमली लगाना स्टार्ट कर दो,
बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। टेस्ट लगाओ, है ना, हर संडे संडे टेस्ट दे दो यार, ये कंसिस्टेंटली करोगे बहुत फायदा रहने वाला है। बोर्ड्स के भी यार मैं सीधा साधा बोलता हूँ यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे 96% मार्क्स आ गए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पीसी में, मेरे 98% मार्क्स थे, क्या फर्क पड़ा उससे, 70% आते हैं 99% है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नीट में तुम्हारे क्या मार्क्स आते हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है, तो प्लीज मेक योर प्रायोरिटीज करेक्ट। अब स्टडी स्लॉट नंबर 9 पे आ जाओ, पूरा एक महीना है तुम्हारा, अप्रैल लास्ट महीना बोर्ड्स के बाद होगा, कंप्लीट रिवीजन नंबर 3 कर लोगे। सिमिलर मैंने पूरा खुद अपने भी प्रिपरेशन में फॉलो किया था। एंड इतना ही नहीं, अब जो तुम्हारा लास्ट 1 वीक है मई में, तुम्हारा फर्स्ट वीक में फर्स्ट संडे को एग्जाम होगा तुम्हारे पास, जो होगा तुम्हारे पास यू विल गेट द टाइम, ठीक है। और ये जो तुम्हें टाइम मिलने वाला है पूरा एक हफ्ते का, उसको तुम्हें वेस्ट नहीं करना है, है ना। उसमें तुम्हें सारे जो वॉलेटाइल टॉपिक्स है, फॉर्मूला है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सबको रिवाइज करना, जो तुम्हें पहले से ही मार्क करके रखा होगा। एक फनल डाउन अप्रोच कर रहे हो, जहाँ पर तुम जो तुम्हें लग रहा है भूलते जाओगे वो तुम रेस्ट्रिक्ट करते चले जा रहे हो, उसे मार्क करते चले जा रहे हो, लास्ट में तुम्हारे पास ये एकदम नीचे वाला पोर्शन है फनल का, वो तुम रिवाइज कर रहे होगे, वैल्यूज भूल जा रहे हो, तुम सारी चीजें वो रिवाइज कर रहे होगे, वो नेम रिएक्शन सब कुछ यार वो रिवाइज कर रहे होगे। और इसके बाद तुम नीट दोगे, बहुत अच्छा करके आओगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस। अगर एट द एंड तुम कोई एक होम मैसेज लेना चाहते हो, तो मैं दो देना चाहूंगा, मैं सब बच्चों को देता हूं, तुम्हें भी ये चीज बोलूंगा कि जो भी तुम पढ़ाई कर रहे हो ना यार, 8-8 दिन के स्टडी स्लॉट में करना, जहां पर तुम 6 दिन में कुछ भी तुमने टॉपिक लेके भाई इस हफ्ते मुझे ये खत्म करना है, तो तुम 6 दिन में वो चीज खत्म करो, 7वें दिन पूरा वो जो 6 दिन में पढ़ा वो रिवाइज कर लो, और 8वें दिन छोड़ दो। अगर भूले भटके यार वो नहीं तुम कंप्लीट कर पाए पहले 6 दिन में, तो वो तुमने अपने इम्परफेक्शन को प्लान करके रखा हुआ है, क्योंकि ह्यूमंस आर नॉट परफेक्ट, तुम गलती करोगे, तुम प्रोकेस्टिनेट करोगे, कहीं ना कहीं कुछ चीजें रहती हैं, सो यू हैव टू प्लान, दैट इज अ डे जहां पर कि तुम ये सारा लेफ्ट ओवर कर सको जो पहले 6 दिन में नहीं कर पाए। दूसरा मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, प्लीज डू डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्रॉम अभ्यास बैच, मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर सकता। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें वीडियो मिल जाएंगे ऑन हाउ टू 1 मिनट वीडियो एक्सप्लेनिंग ऑल द फीचर, हाउ टू एनरोल, तुम्हें रियल टाइम एक्सपीरियंस का सब कुछ मिल जाएगा, तो जाके चेकआउट जरूर से कर लेना। एंड ट्रस्ट एक बार लेके देख लो, 3 दिन एक्सपीरियंस कर लो, नहीं अच्छा लगता तो रिफंड पॉलिसी तो है ही। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा, इससे तुम्हें बेनिफिट मिला, तो हिट द लाइक बटन एंड क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, सो दैट यू नेवर मिस आउट एन अपडेट। मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ लग के तुम्हें गाइड करता रहूंगा, एंड आई होप यू गेट योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज। बस कंसिस्टेंसी के साथ, जो है रॉकेट साइंस नहीं है, कंसिस्टेंसी के साथ तुम्हें हार्डवर्क करना है, हार्डवर्क बीट्स टैलेंट, व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड, तो मेहनत करो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।